जय श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज के जीवन पर प्रस्तुत है आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित गांव नरसी बामनी में रहते दामा सेठ और उनकी धर्मपत्नी गोणाबाई पंडरपुर के मंदिर विट्ठल भगवान जी के अनन्य श्रद्धालु थे। वह प्रत्येक वर्ष पंडरपुर की यात्रा को जाते और ठाकुर जी की पूजा करते। दामा सेठ जी कपड़े का व्यापार करते थे और कपड़ा खरीदने के लिए पंडरपुर ही जाते थे। वहाँ पर पांडुरंग के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अवश्य करते थे। उनके घर एक कन्या आहूबाई का जन्म हुआ। उसके पश्चात उनके घर प्रभु ने कोई खुशी प्रदान न की तो वे दोनों पति पत्नी इस कारण बहुत चिंता में रहते थे। दामा सेठ जी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए परिवार सहित पंडरपुर गांव ही चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। गोणाबाई जी अपने घर का आंगन पुत्र के बिना खाली देखकर हर समय चिंताग्रस्त रहती। वे दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चंद्रभागा नदी में स्नान करके पांडुरंग के मंदिर में जाते और वहां पर ठाकुर जी को भोग लगवाते और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। जैसे एक कहावत प्रसिद्ध है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। प्रभु ने अपने भक्तों की सच्चे मन से की हुई प्रार्थना को स्वीकार किया और गोणाबाई गर्भवती हो गई। इस प्रकार आज का पहला अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं दूसरे अध्याय में। जय श्री नामदेव जी महाराज। जय श्री नामदेव जी महाराज।